नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 140 करोड़ के आवाम को जिस दिन का इंतजार है, वो दिन तो अभी नहीं आया है, लेकिन वो दौर शुरू हो गया है जब आप जिस दिन की कल्पना कर रहे हैं वो साकार हो जाएगा। जी हां, पीओके में जो इस समय स्थिति है उसको लेकर के तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस पीओके के कई शहरों में पाकिस्तान भारत के खिलाफ भारतीय क्षेत्र कश्मीर में अनरेस्ट पैदा करने के लिए तमाम आतंकवादियों की एक फैक्ट्री बना रखा है, उसी पीओके के मुजफ्फराबाद में अब लोग भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ वहां की खुफिया एजेंसियां पुलिस और सेना के सामने सीना तान कर सीना खोल करके खड़े हो रहे हैं। जो करना है कर लो, वो ये नारा लगा रहे हैं, हमें तो भारत के साथ मिलना चाहिए। और पीओके जिस तरीके से ऑक्युपाइड किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, उसको अब जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने पीओके की जनता को बेहाली में डाल दिया है। हम अपनी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और इस तिरंगे झंडे की शान के लिए वादाबंद है। वैसे स्थिति तो पाकिस्तान की यही है कि पिछले 8 से 10 महीने के बीच पाकिस्तान की जनता एक टाइम खाना खा लेने के बाद दूसरे टाइम ये सोचती है कि कैसे आगे का जीवन चलेगा, कैसे रोटी और पानी का इंतजाम होगा। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से महंगाई का सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, वो भी उस स्थिति में जब पीओके के संसाधनों का दोहन करके पाकिस्तान वहां के लोगों के भरोसे को खो करके पाकिस्तान के अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में वो पैसा, वो संसाधन भेजा जा रहा है। जबकि पीओके के लोगों का कहना है कि उनके ऊपर ये दोहरी मार पाकिस्तान सरकार मार रही है, क्योंकि ऐसा करके एक तरफ महंगी बिजली और साथ में ही साथ महंगा गेहूं, महंगा चावल, महंगा चीनी, महंगा पेट्रोल, ये सब कुछ पीओके के लोगों को भी सहन करना पड़ रहा है। उस महंगाई को जिसको सहन करने के लिए उनके पास सारे कुछ इंतजाम है, लेकिन पाकिस्तान सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पीओके का दोहन कर रही है और जम्मू कश्मीर की जनता को पूरी तरीके से तबाह कर रही है। यही नहीं, पीओके के लोगों का कहना है कि वहां पर कई ऐसे क्षेत्रों में पूरी तरीके से डेमोग्राफी को बदला गया है। सियाओं का जहां पर वर्चस्व है, वहां पर सुन्नियों को जानबूझ करके ले आकर के बसाया गया। इस तरीके से पीओके का पूरा जो ताना बाना है सांस्कृतिक और राजनीतिक, वो पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने बदल दिया है। और अब 90 दिन के एक अल्टीमेटम, जो कि वहां के कई ऐसे संगठन जो पूरी तरीके से कश्मीरी एक्टिविस्ट से भरे पड़े हैं, वो चाहते हैं कि भारत में मिल जाए, अब उन्होंने अपने अल्टीमेटम की जो घोषणा की थी वो समय भी बीत गया है। और वहां पर जो स्थिति है वो आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं, किस तरीके से लोग मुजफ्फराबाद में इकट्ठा हुए हैं, वो भारत के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान हमें आजादी दे दो इसकी भी मांग कर रहे हैं। और अब पुलिस और सेना और कुछ सादे ड्रेस में सुरक्षा बल इन कश्मीरियों पर कैसे जुल्म ढा रहे हैं, वो भी आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस में जो भारत के साथ समर्थन है उनका, और भारत के प्रधानमंत्री से उनके ढेर सारे अपेक्षाएं हैं कि अब कश्मीर के पूरे समस्या का समाधान करने का समय आ गया, और पीओके में जिस तरीके से पाकिस्तान जुल्म ढा रहा है, अब प्रधानमंत्री मोदी सामने आए और उन पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान के रहमोकरम पर जी रहे हैं, माफ करिएगा, उन कश्मीरियों को जो पाकिस्तान के रहमोकरम पर जी रहे हैं, वो उससे आजाद करें और जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जो पिछले 75 सालों से अलग है, उसका जम्मू कश्मीर में मर्जर किया जाए, उसको शामिल कर लिया जाए, तभी जम्मू कश्मीर पूरे राज्य के रूप में स्थित में आ पाएगा। तो अब पीओके में पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ गया है। जिस कश्मीर को के राग को अलापते हुए 75 साल में वहां पर कई सेना प्रमुख, तानाशाह
और जमहूरी सर जमहूरियत के दायरे में आने वाले कुछ नेता भारत के खिलाफ जहरे उगल रहे थे और भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए हजारों साल तक घास की रोटी खाने की बात कर रहे थे। अब जिस कश्मीर पर जबरन उन्होंने अधिकार किया है, वहां के लोग ही भारतीय क्षेत्र कश्मीर की विकास की राह और वहां के लोगों की जो गरीबी खत्म हुई है, उस सब तस्वीरों को देख करके वो जम्मू कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं और साथ ही साथ इसके खिलाफ वो सड़कों पर उतर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान की सेना विरोध कर रही है। पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हैं। इस विरोध की स्थिति आने वाले समय में क्या होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुजफ्फराबाद में जो बात निकली है वो अब भारत तक पहुंचेगी और समय आने पर भारत का वो क्षेत्र जो पाकिस्तानियों ने जबरन कब्जा करके रखा है, उस पर भारत अपने शासन को चलाएगा, क्योंकि 140 करोड़ के आवाम की यही चाहत है, जिस पर संसद में बाकायदा प्रस्ताव पारित हो गया है। हमारे इस खबर और विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।